नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़। टाउन हॉल मैदान में श्री रामलीला सभा के द्वारा किया गया रामलीला मंचन का आयोजन, राज्य मंत्री रहे अतिथि। जनपद मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल मैदान में लगातार 100 वर्षों से रामलीला मंचन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ बृहस्पतिवार को राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मीडिया सेंटर के अध्यक्ष अनिल रॉय सहित कई गणमान्य लोगों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के द्वारा कहा गया कि श्री रामलीला सभा के द्वारा कई वर्षों से रामलीला मंचन का आयोजन किया जाता है और इस बार भी भव्य रामलीला मंचन का आयोजन किया गया है। रामलीला कमेटी द्वारा 111 वर्ष से निरंतर भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित ये रामलीला का महोत्सव किया जा रहा है और ये अनुष्ठान की लीला है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अकेली है। कहीं एक आध जगह बनारस में यह हो रही होगी, जहाँ के पात्र बाकायदा यहीं 15 दिन पहले रहते हैं, एकांतवास में रहते हैं, अनुष्ठान के साथ रहते हैं और ये लीला का मंचन होता है। ये लीला इस शहर के लिए, इस जिले के लिए ऐसी धरोहर है जो जिले की सुख शांति समृद्धि की कामना करती है। आने वाले समय में प्रभु से प्रार्थना है कि जो लोग जनपदवासी हैं वो सुख शांति से रहें और उनके परिवार में माँ लक्ष्मी जी का वास रहे, सबके जीवन के कष्ट दूर करें, ये कामना है। आज ये बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। अपने मुजफ्फरनगर जनपद की बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित रामलीला श्री रामलीला कमेटी शहर, जिसका 111 वर्ष आज शुभारंभ उसका हुआ है और भगवान राम की लीला, भगवान राम की लीलाओं का मंचन यहाँ पर होगा, उसका शुभारंभ श्री अनिलाल जी के द्वारा, हम सब के द्वारा आदरणीय शिवचरण जी, दीपक जी, सतीश जी और सब संस्थाओं के द्वारा, सभी साथियों के द्वारा मिलकर किया गया है। और ये रामलीला अनुष्ठान की रामलीला होती है, बहुत बड़ी भारी मान्यता इसकी है, सभी कलाकार यहीं पर रहते हैं। और कमेटी को मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि लगभग एक महीने की तैयारी होती है तब जाकर रामलीला होती है। सभी को वो बधाई है, सभी कलाकारों को बधाई है, सभी को शुक्रिया। आज श्री रामलीला कमेटी जी के द्वारा आमंत्रित पर मैं बहुत अनुग्रहित हूँ और इस रामलीला मंचन की जो शुभारंभ हुआ है, मुझे इसका अवसर मिला है कि मैं उसका प्रतिभागी बन सकूँ। इतनी सुंदर ये रामलीला करी जा रही है, पिछले वर्ष भी और 111 वर्ष से जो करी जा रही है, ये बहुत ही कहते हैं ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बात है। और हमारे जो प्रतिभाएं हैं इतनी सुंदर हैं और जो मंचन है, जो हमारे भजन हुए हैं, जो आरती हुई है, बहुत ही सुंदर और गरिमापूर्ण है। और मैं रामलीला कमेटी के सदस्यों का, हरचरण जी का और सतीश गोयल जी का, सतीश गर्ग जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया। और मैं अपने स्कूल के बच्चों से भी ये प्रोत्साहित करूँगा कि वो यहाँ पर आकर रामलीला जरूर देखें, और जब स्कूल के बच्चे देखेंगे तभी हमारी आने वाली जनरेशन जो है, आने वाला हमारा जो भविष्य है, वो इस रामलीला और इस तरह के आयोजनों का और भी उसको विकसित कर सकता है और डेवलप कर सकता है। और हम सबको श्री राम के चरणों में आशीर्वाद मिलेगा, इस सब के लिए हम लोग मनोकामना करते हैं। आप सभी को दशहरे की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्य अतिथि इसमें श्री कपिल देव अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री हैं। दूसरे अनिल रायल जी, रायल बुलेटिन संपादक के मालिक हैं। तीसरे विश्व रतन जी, जो शारडेन स्कूल चलाते हैं। इसमें सबसे मुख्य बात ये है कि ये रामलीला निरंतर 111 वर्ष से चलती आ रही है। कोविड काल में भी ये रामलीला मंचन इतने बड़े पर्दे पर न होके ये हमारे सनातन धर्म सभा के मंच पर इसका आयोजन किया गया। ये बहुत कमेटी को गर्व है इस बात पर कि कोविड के प्रोटोकॉल को निभाते हुए भी इसका मंचन किया गया। दूसरी बात, ये रामलीला अनुष्ठान की लीला है। इसमें जो हमारे पात्र बने हुए हैं उनका खाना, उनका पीना सब अलग है, इवन उनका रसोईया भी अलग होता है। उनके रसोई में उनके और किसी जगह पे कोई आदमी का नहीं जा सकता, प्रवेश निषेध है। और ये बहुत बड़ा आयोजन है, इसमें एक टीम भावना से, इसमें जितने भी लोग लगे हुए हैं वो टीम भावना से और निर्विवादित होकर कंधे से कंधा मिलाकर मेरे और सतीश जी के साथ काम करते हैं। इसमें सतीश जी मेरे मंत्री हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मुझे हर समय, मैं उनसे सहयोग भी लेता हूँ, उनसे मार्गदर्शन भी लेता हूँ और प्रभु से
हमारी दोनों की यही एक विशेष प्रार्थना है कि ये निर्विघ्न संपन्न हो। जय श्री राम।